अप्रैल महीने में जो बारिश हुई थी जिससे आपकी रबी की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जब आप कटाई कर रहे थे उस समय बारिश हुई थी जिसकी वजह से आपकी रबी की फसल में काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। दोस्तों अब सरकार ने आप लोगों के आवेदन के लिए एक नया पोर्टल जारी कर दिया है। दोस्तों अगर आपकी भी रबी की फसल में नुकसान हुआ है तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इसमें आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो यहाँ पर सरकार 19 डिस्ट्रिक्ट को चुना है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो जरूर बड़ी हो जाएगी लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है। तो चलिए सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आज ही आप ऑनलाइन सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसका ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए agriculture.bihar.gov.in की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आ जाइए। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आपके मार्च महीने में क्षति हुई थी तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्षति हुई थी, आपके रबी की फसल की क्षति हुई थी अप्रैल महीने में, क्योंकि अप्रैल महीने में भारी बारिश हुई थी। तो यहाँ पे 100 लोग आवेदन कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अप्रैल महीने में आवेदन करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जिन किसान भाइयों के पास किसान कार्ड है नंबर है, वो यहाँ पे आपको किसान कार्ड नंबर दर्ज करना है, आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा नियम जान लीजिए आवेदन करने का। दोस्तों कृपया 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या बॉक्स में प्रविष्ट करें। यह योजना अधिकतर 2 हेक्टेयर मतलब 2 हेक्टेयर के लिए देने हैं। दोस्तों अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास 2 हेक्टेयर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने के लिए 19 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, तो आप जान लीजिए कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह योजना केवल 19 जिलों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवराय, दरभंगा, मधुबनी, संपत्तिपुरी, बेगूसराय, लखीमपुर सराय, खड़गड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुरैल, मेदपुर, पुड़िया, किशनगंज, अररिया के चिन्हित प्रखंडों के लिए मान्य है। दोस्तों अगर आप इन सब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको आवेदन करने की सबसे पहले मैं आपको जरूरी जानकारी दे दूँ जब आप आवेदन करेंगे। यहाँ पर कह रहा है आवेदक को आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकरण मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। दोस्तों जब आप आवेदन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। दोस्तों जब आप यहां पे आवेदन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, अगर वो आप यहां पे OTP दर्ज नहीं करेंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकते, तो वो उस मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उसके बाद कह रहा है आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो त्रुटि का बदलाव 48 घंटों के भीतर अंदर कर लें। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं, अगर आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी त्रुटि होती है तो आप 48 घंटे के अंदर आप उसकी त्रुटि को सुधार सकते हैं, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबंधित कृषि समन्वय को जांच हेतु घर्षित कर दिया जाएगा। देने हैं कृपया आवेदन के लिए दिए गए सुधार को पुनः जांच कर ले, एक बार सुधार अपडेट में दोबारा कर ले। किसान का प्रकार, दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जो किसान भाई आवेदन करना चाहते हैं उनका प्रकार कौन कौन सा होना चाहिए। स्वयं भूमिधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए, दोस्तों अगर आपके पास स्वयं की भूमि है तो यहाँ पे दस्तावेज कौन से लगेंगे। LPC जमीन रसीद लगेगी, वंशागली जमानत विक्रय पत्र लगेगा, वास्तविक खेतिहर की स्थिति में स्वर्ण घोषणा का प्रमाण पत्र व वास्तविक खेतिहर प्लस स्वयं दुहारी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ स्वयं घोषणा पत्र सरल करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो प्रकार से, अगर आपके पास स्वयं की भूमि है तो यहाँ पे देख लीजिए LPC जमीन रसीद, वर्षाकली जमाबंदी और विक्रय पत्र लगेगा। लेकिन अगर आपके पास खेतिहर के साथ स्वयं घोषणा पत्र, दोस्तों अगर आपकी वास्तविक खेतिहर भूमि है तो यहाँ पे आपको स्वयं घोषणा पत्र देना पड़ेगा, प्लस दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये है वास्तविक खेतिहर प्लस स्वयं भूमि खेतिहर अगर आपके पास है तो यह इन दो कंडीशन में आपको स्वयं घोषणा पत्र प्रमाण डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको स्वयं घोषणा पत्र ये देना पड़ेगा अगर दो कंडीशन में, अगर आपके पास वास्तविक खेतिहर है, दूसरा अगर आपके पास वास्तविक खेतिहर प्लस स्वयं भूमि का है, तो यहाँ पे आपको ये
स्वयं घोषणा पत्र देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम, गांव का नाम, पंचायत रहेगा, प्रखंड ये, जिला ये, राज्य ये रहेगा। उसके बाद थाना आपका क्या नाम लगता है वो रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा आपका, कुल भूमि योग्य ये रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कह रहा वास्तविक खेतिहर के संबंध में गवाह के रूप में बगल के किसान, दोस्तों जो आपकी खेती है उसके जो बगल के जो दो किसान है उनका नाम लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा और हस्ताक्षर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अंगूठा लगाया जाएगा। और ये आपको जो नीचे का फॉर्म दिख रहा है ये आपको नहीं भरना है, ये विभाग भरेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये जान गए क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है। दोस्तों देखिए आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका ये 19 जिले होंगे, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 19 जिलों के बाहर होंगे तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या देनी है। पंजीकरण संख्या दोस्तों वही होती है जो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको मिलती है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे पंजीकरण संख्या दर्ज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पंजीकरण संख्या 10 कर ली। दोस्तों अगर ये पंजीकरण संख्या 19 डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर होगी तो मैं आवेदन करके आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अंदर होगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। उसके बाद यहाँ पे करके दोस्तों आपको सर्च पर क्लिक करना है। कह रहा है मेरे पास ये मैसेज आया है, आपके द्वारा फरवरी माह मार्च माह के फसल क्षति के लिए आवेदन किया जा चुका है, आप आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो अप्रैल महीने में जो क्षति हुई थी रबी की फसल की, उसके लिए आवेदन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है जो किसान भाई है उनका, दोस्तों यहाँ पे ये 19 जो जिले हैं वो 19 जिलों के बाहर हैं, इसलिए ये आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे दिखा रहा है ये जो 19 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो किसान भाई हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 19 जिले के बाहर हैं। दोस्तों ऐसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों जब यहाँ पे आप पंजीकरण अपना संख्या डालेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आप ये 19 जिलों से हैं कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ये 19 जिलों से नहीं है, ये किसान भाई 19 जिलों से नहीं है, इसलिए ये अप्रैल महीने की क्षति के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आप 19 जिलों से हैं कि नहीं है। अगर हैं उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। और दोस्तों इसकी मैं आपको जो लास्ट डेट बताऊं, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 मई से 17 मई तक। तो 7 मई से 17 मई तक आप आवेदन कर लीजिए, अन्यथा उसके बाद आवेदन नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मिलता हूं फिर मैं किसी ऐसी सरकार की नई योजनाओं की जानकारी लेकर। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।